यस, भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 80 करोड़ एकड़ है, परंतु केवल 32 करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है। शेष भूमि या तो उपजाऊ नहीं है या पर्वत, नदियाँ या बंजर है। ऐसी भूमि बहुत कम है जिसमें एक से अधिक फसलें उगाई जा सकें। वर्षा साल में एक ही बार होने से सिंचाई की समस्या मुख्य है। वैसे दो मुख्य मौसम होने के कारण दो प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। जहां कहीं ऐसी सुविधा नहीं है वहां पर वर्ष में दो बार फसल उगाई जाती है। गर्मी में खरीफ की फसल तथा जाड़े में रवि की फसल भारतवर्ष में खेती अधिकतर पुराने ढंग से की जाती है और अतएव कृषि पिछड़ी हुई दशा में है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। मुख्यतः यहाँ के किसान अशिक्षित एवं गरीब हैं, फलतः ना तो उन्हें नए नए कृषि उत्पन्न उपकरणों और खेतों के नए तरीकों का ज्ञान हो पाता है और ना ही वे अपनी गरीबी के कारण खेतों में बढ़िया खाद और उत्तम बीज डाल पाते हैं। दूसरे, अधिक अंधविश्वास के रहने के कारण आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को भी जल्द ही खेती के लाभ के लिए नहीं अपनाते। छोटे छोटे तथा बिखरे फैले खेत अनिश्चित वर्षा सिंचाई के सीमित साधन, मिट्टी का कम उपजाऊ होना तथा दूसरे ऐसे ही अन्य कारणों से भारत सदियों से कृषि प्रधान देश होते हुए भी विश्व में खेती में अग्रसर ना हो सका, वरन इतना पिछड़ा कि स्वयं अपनी जनसंख्या के लिए भी भरपेट अनाज नहीं पैदा कर सका। फलतः भारत को दूसरे देशों से भारी मात्रा में अनाज मांगना पड़ा। स्वतंत्र होने पर भारत सरकार ने पहले पहल खेती के सुधार की ओर ध्यान दिया और पंचवर्षीय योजनाओं में कई ऐसी योजनाएं पूरी की गई है जिनमें खेती की पैदावार में वृद्धि हुई है। स्टॉप।